यार अभी हमारे पास था अपनी गाड़ी नहीं है, तो उस वजह से माता हमें माफ करे, उस वजह से जब अपना व्हीकल आएगा तब हम जरूर आएंगे। वैसे बस अब यही उम्मीद है आप लोगों से सपोर्ट दिखाना है भाई अपनी, हमने गाड़ी लेनी है जल्दी से जल्दी, और फिर जो है मम्मी पापा को लेके मैं जाऊंगा सीधा ही भीमा काली माता के मंदिर। तो माता माफ करना जो है मम्मी पापा जो है नहीं आ पाएंगे। कुमारसेन वाले क्या रोड है भाई, नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल भाई, इतना मजा मेरे को आज तक कहीं नहीं आया भाई। बहुत सारी अपडेट्स आपको देनी है तो आज का व्लॉग मिस बिल्कुल मत करना। ये क्या सामान लेके क्या जा रहे हो? अच्छा डिलीवरी में, गुड गुड दादा बढ़िया। गाइस यार आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैंने बताया भी नहीं है, मैंने भी भाई ठियोग में जो जॉब करी है डिलीवरी में, जब मेरे पास ड्यूक होती और भाई जब मैं डिलीवरी करता था तो यहीं तक का मेरा जो रूट रहता था वो यहीं तक का होता था, ठीक है। मैं मतलब अपनी बाइक को जो है यहाँ पे लगाता था इस पॉइंट पे, यहाँ से तुम्हारा भाई जो पार्सल देने जाता था। गाइस कसम से बता रहा हूँ भाई, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। गाइस कैसी लगती वीडियोज आपको, अच्छी लगती है? बस ऐसी फुल पावर सपोर्ट दिखाओ। गैस गाड़ी में देख रहे हो अपने भाई लोग। हाँ जी भाई, हेलो 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 हेलो, कैसे हो कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, हेलो हेलो भाई कैसे हो? नमस्ते अंकल जी, और भाई कैसे हो? कहाँ से हो? कुमारसेन से? मैं रामपुर जा रहा हूँ ब्रो। तो भाई अपने गाने का शूट जो है वो रामपुर में होने वाला है, क्योंकि रामपुर से ही वो गाना जो आने वाला है। गाने का नाम मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस? ओ भाई सीधे में तो गाइस कोई भी बाइक भगा लेता है पहाड़ों पे, हाँ तब मजा लगता है। गाइस मैं फुल सपोर्ट करता हूँ मेरे भाई को जानू स्टंट्स राजा डीसी, उनका मुकाबला तुम जो कभी कर ही नहीं सकते, तुम गधे थे गधे हो और गले ही रहोगे, ठीक है। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं रामपुर। व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहडू से बाबा। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से। तो भाई जैसा कि आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा, हमने रोहडू में यार सेलिब्रेट जो कर दिया हुआ था, बम वगैरह जो है फाड़ दिए हुए थे फुल पावर भाई, बहुत अच्छा लगा कसम से यार, कि मतलब जिस सिटी का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे इस तरह से आज हम बम फाड़ रहे हैं भाई। मेरे को बम से बहुत ज्यादा डर लगता है, बट भाई बहुत इंजॉय करा उस दिन, अच्छा भी लगा भाई बहुत ज्यादा। और मैंने पहले ही बोला था भाई हम बम शिमला में भी फाड़ेंगे जहाँ से स्टार्ट किया था, और रोहडू में तो भाई बनता ही, आपको पता ही गाइस, ठीक है। और भाई काफी सारे बंदे मतलब कमेंट वगैरह कर रहे थे ना कि यार आप भीमा काली माता के मंदिर नहीं आ रहे, आपके तो 100 के सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा हो गए। तो भाई आज हम जा रहे हैं रामपुर और कल हम जाएंगे भीमा काली माता के मंदिर। तो भाई आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, आपको बताइए भाई रोडू से कितना दूर है। और भाई इस बारी मैं जो है वहां से नहीं जा रहा हूँ जहां से पिछली बार गया था ना रोडू होके, इस बारी मैं जा रहा हूँ ठियोग, उसके बाद अपना नारकंडा, उसके बाद अपना कुमारसेन, उसके बाद अपना रामपुर, क्योंकि भाई ये वाला सर्कल मैंने अभी तक जो है नहीं मारा था, मतलब व्लॉग्स में नहीं दिखाया हुआ था। काफी सारे बंदे बोलते हुए थे भाई नारकंडा आओ कुमारसेन आओ, तो मैं चलो यार इस बार यहाँ से चलते हैं। रोड तो गाइस एकदम लश है, तो मजा आने वाला फुल पावरी। बाकी गाइस मतलब मन तो ये था कि घर वालों को लेके जाऊं, घर वाले बोले जब तक अपनी गाड़ी नहीं आती तब तक हम जो नहीं आएंगे। तो अभी पापा हाय बोल दो सबसे पहले, तो हाय मम्मी हाय बोल दो, हाय। तो बंदे बोलते थे ना कि मतलब तू अपने मम्मी पापा को व्लॉग में नहीं दिखाता, तो मम्मी बोलो, बोलता नहीं था एक लड़का क्या बोलता था, घर वालों को नहीं दिखाता, बोलो कि घर वालों को व्लॉग में नहीं लगता, बोलते थे ना। तो क्या आप नहीं लोग नहीं चल रहे आप लोग? नहीं अभी तो हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपना व्हीकल नहीं है। तो गाइस वही बात है यार, अभी हमारे पास था अपनी गाड़ी नहीं है, तो उस वजह से माता हमें माफ करे, उस वजह से जब अपना व्हीकल आएगा तब हम जरूर आएंगे। तो गाइस बस अब यही उम्मीद है आप लोगों से सपोर्ट दिखाना है भाई अपनी, हमने गाड़ी लेनी है जल्दी से जल्दी, और फिर जो है मम्मी पापा को लेके मैं जाऊंगा सीधा ही भीमा काली माता के मंदिर। तो माता माफ करना जो है मम्मी पापा जो है नहीं आ पाएंगे, तो अब क्या बोलूं भाई, हम मतलब कि ट्राई तो कर रहे थे कि दूसरों की गाड़ी हो का मतलब इंतजाम तो कर रहे थे गाड़ी का, कि मतलब किसी की गाड़ी हो जाए, बट भाई सबने मना ही करा, आपको पता है अपनी गाड़ी हो तो भाई कोई भी नहीं देता है, आपको खुद पता है भाई, ठीक है। तो अब देखते क्या रहता है भाई, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, बाकी आप लोगों को तब लेके जाऊंगा जब अपनी गाड़ी आएगी, ठीक है। तो बोलो ऐसा ही सपोर्ट दिखाना, हम भी अपनी गाड़ी ले ले, ऐसा ही सपोर्ट दिखाना जो हम भी अपनी गाड़ी ले ले। जल्दी गाइस हमारे पास अपनी गाड़ी होगी और फिर मैं जाऊंगा मम्मी पापा को लेकर सीधा भीमा काली माता के मंदिर। तो गाइस अभी मौसम भी जो है बहुत ज्यादा खराब है, अपनी यहाँ मेरे कपड़े टांगे हुए हैं, तो भाई मौसम बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ से फटाफट से निकलते और मिलते आपको सीधा बाइक पे। मैं पहुंच गया था अपनी जान के पास, अपनी ब्लैक लिस्टेड के पास। तो भाई अभी कोल्ड स्टार्ट जो है वो हो रही है, बाकी भाई आप मौसम तो देख ही पा रहे होंगे, मौसम बहुत ज्यादा खराब है गाइस, देख रहे हो
बहुत ज़्यादा खराब। कल भी भाई बारिश हो रही थी, मेरा प्लान तो कल निकलने का था बट भाई कल बारिश हो रही थी तो इस वजह से मैं निकल नहीं पाया। और भाई मेरा गला जो है एकदम ओके हो गया, भाई रेस्ट मिल गया भाई दो दिन का, अब तुम्हारा भाई बिल्कुल ओके है। तो गाइस अभी कॉल स्टार्ट हो रही है और यहाँ से फटाफट से निकलता है, आपसे बहुत सारी बातें आगे करनी है, बहुत सारी अपडेट्स आपको देनी है गाइस, तो आज का ब्लॉग मिस बिल्कुल मत करना। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई डॉग सो भाई अभी तुम्हारा भाई पहुंच गया है हाड़गुट्टी। तो भाई अभी सबसे पहले चलते हैं तेल भराने, आप देख ही पा रहे होंगे भाई तेल बिल्कुल कम है। तो जय मां हाटेश्वरी रक्षा करना। तो चलते हैं गाइस फटाफट से अपने देवी देवताओं का नाम लेते हुए फुल पावर। आपको पता है भाई आज आपके भाई का गला जो अभी ओके है, तो भाई आज तो कुछ तबाही सीन बनता है गाइस। आज का ब्लॉग जो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है भाई, बहुत ज्यादा नमस्कार भैया, आज का ब्लॉग जो बहुत ज्यादा जबरदस्त रहने वाला है भाई। बाकी आगे एक भाई हमारा वेट कर रहे हैं पेट्रोल पंप में, वो भी मेरे साथ जो है रामपुर आ रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट लेवल सीन रहने वाले भाई आज के। ओ भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड यार, आपको बताए भाई रामपुर अपना दूसरा घर है गाइस, और भीमा काली माता का आशीर्वाद अपने ऊपर कैसा बना हुआ है तो आप लोगों को पता ही है गाइस। तो अभी फटाफट चलते हैं तेल भराते हैं और उसके बाद एकदम क्या सीन रहता है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो बाइक को खींचते हैं यार। लो भाई एक ही हाथ से चलता है यहाँ पे तुम्हारा भाई, देख रहे हो भाई, ये देखो भाई एक ही हाथ से। लो भाई ये देखो एक ही हाथ से तुम्हारा भाई यार 120 तो ऐसी टाप रहता है एक ही हाथ से, देख रहे हो, ये देखो भाई। फिर बंदे बोलते हैं भाई ये वैसो ऐसा वैसा, तुम भाई तुम दो हाथों से ऐसी नहीं चला सकते जैसी मैं एक हाथ से चलाता हूँ, समझे। बकवास करते हैं वो सो स्किल्स की बातें मेरे आगे तो बिल्कुल करना भी मत, समझे। देख रहे हो भाई एक ही हाथ से। लो भाई देख रहे हो भाई इसके साथ ना भाई दिल के तार जुड़े हुए हैं, तो इसको पता है भाई कब कैसा मुड़ना है, जब जहाँ को जैसा भाई मुड़ेगा वैसी मुड़ती है भाई। प्यार होता है भाई ये प्यार जो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले जो तेल भरा लेते हैं। हाँ जी भैया कैसे हो, बढ़िया, जीत गए ड्रीम इलेवन में, नहीं जीते बहुत पीती है भैया ये, माइलेज तो है इसमें 1000 रुपये का डाल दो परसों तो चलते भी तो हम ऐसे ही है, क्या करे। तो गाइस यहाँ पे आ गया भाई, भाई भी अपने साथ जो रामपुर चलने वाले, कैसे हो आप, बढ़िया, कैसे ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं, यही काम है तो अरे आपसे तो कम है, नहीं आपकी सैलरी कितनी है, बोलो बोलो बस आपसे कम है, हाँ इतना मान के चलो आपसे कम है। इतना तेल ही फूकना, नहीं नहीं अंगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हुए हैं जुब्बल वाले रोड में। तो भाई यहाँ पे लगी अपनी ब्लैक लिस्टेड और यहाँ पे लगी भाई की बाइक। तो भाई मैंने भाई को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, कैसे हो भैया आप, बढ़िया। तो गाइस यार इनके छोटे भाई भी इनके साथ है जो रामपुर चलने वाले हमारे साथ। तो भाई परसों हम ना रेस कर रहे थे ऐसी छोटी सी रेस, तो और इस बाइक में क्या हो गया था, इसमें इसका गाइस पिस्टन फट गया था यार, मतलब हम रेस कर रहे थे तो मतलब मैंने ठीक ठाक भगाई भी थी, भैया भी पीछे से भगाने लगे, आपको पता ही है यार बहुत, कितना पुराना मॉडल है ये, 14 मॉडल है, और भाई इसका ना यार पिस्टन उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, बाइक बिल्कुल ठीक है, ओके बिल्कुल। तो भाई मजा आने वाला है, 220 रहने वाली है और एक मेरी बाइक, भाई 220 भी एक नंबर बाइक है भाई, कसम से बता रहा हूँ, अपने टाइम में जो इस बाइक के जलवे थे ना वो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो भाई अभी यहाँ से फटाफट से निकलते हैं गाइस, आज मजा आने वाला, फुल पावर ही, भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं फोन से। तो भाई फटाफट से चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको आगे सीधा रोड पे। अभी वहाँ से जो है यार निकल गए थे, अभी यार खड़ा पत्थर की वादियों में हम पहुंचने ही वाले हैं, मतलब चले गए रोड पे यार। और भाई आज मेरे को बुरा पता क्या लगा यार, कि मैं अपने घर वालों को यार अपने साथ नहीं ले जा पाया भीमा काली माता के मंदिर, मैंने प्रॉमिस किया था। बट गाइस मैंने इतने सारे बंदों को बोला ना, जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, कि भाई दे दो यार अपनी गाड़ी प्लीज, या खुद चल लो तेल वगैरह जो डाल देते हैं, बट भाई सबने मना करी। भाई कोई बात नहीं यार, भाई एक दिन ऐसा आएगा ना जब हमारे पास भी अपनी गाड़ी होगी, और मेरे पापा ने तो सीधा बोल दिया बेटा जब तक तेरी गाड़ी नहीं आएगी ना तब तक जो है बिल्कुल नहीं जाना है, जिस दिन तेरी गाड़ी आएगी तेरी गाड़ी में जाएंगे। गाइस यार बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब हमारे घर में यार अब ऐसा है कि यार बस में आना जाना, फिर आपको पता है भाई, आपको पता है यार बस में वो मजा नहीं आता है। तो गाइस पापा ने बोला जिस दिन तेरी गाड़ी आएगी ना उस दिन जाएंगे। तो गाइस बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई, हम
गाड़ी भी जो है भाई लेंगे, जरूर लेंगे एक ना एक दिन भाई। अब मुझे नहीं पता वो दिन कब आएगा, बट भाई लेंगे, जरूर लेंगे भाई। भाई वही बात है, आपने खुद देखा, मतलब यार हम ना एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है गाइस। आज यहां तक जो पहुंचा हूं ना वो आप लोगों की वजह से पहुंचा, नहीं तो भाई मतलब ये पॉसिबल ही नहीं था भाई। आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, थैंक यू रोडू से भाई, यूट्यूब फैमिली 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। मतलब रोडू में जो सिस्टम हैंग हो गया भाई ना, कसम से बता रहा हूँ। मेरे पापा के फ्रेंड्स वगैरह मेरे को जब बाजार में मिलते हैं ना तो बोलते, बेटा तू अच्छा कर रहा है। पापा को बोलते थे कि क्या कर रहा है आपका लड़का, कुछ नहीं कर पाएगा वो, ऐसा वैसा फुक रहा है वो सो। अब वही लोग पता क्या बोलते कि बहुत अच्छा कर रहा है आपका लड़का, बहुत अच्छा कर रहा है। तो वही बात है गाइस, भाई मेहनत करो। जो लोग मेरे को देख के व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं ना भाई, उनको यही बोलूंगा भाई, हिम्मत नहीं हारनी है, करो भाई। एक ना एक दिन ऐसा आएगा ना, जो आपके अगेंस्ट है ना आज, वो आपके ही साथ होंगे एक ना एक दिन, वही आपका सपोर्ट करेंगे। तो भाई मेहनत करो, सब कुछ होगा मेरी जान। तो गाइस अभी हम पहुंचे थे खड़ा पत्थर, और ना इसका शायद टायर पंचर है, उठा देंगे भैया, कोई चक्कर नहीं। कैसे? हाँ न्यूट्रल, लो भैया लो, करो आप चेक करो, अच्छे से करना भैया चेक। हवा कम हो रही है इससे यार भैया। वाल लीक है, नया वाल हो जाएगा आपके पास? पक्का लीक है भैया? वाल लीक है, नया वाल मिल जाएगा, लगा दो भैया। तो हो गाइस, इसका जो ये वाल होता है ना, इसके अंदर ये लीक था भाई, तो अभी इसका काम कराते। मैं वही सोचूं भाई इसमें हवा कम क्यों हो रही है यार। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है भाई पता लग गया यहीं पे, कहीं रास्ते में पता लगता बाद में तो अलग ही दिक्कत हो जानी थी। क्योंकि भाई जो ये वाले टायर होते हैं ना, ये ट्रैक टायर्स होते हैं ना, फट देंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, अगर कुछ भी घुस जाए ना तो फट देंगे, ये जो है फट जाते हैं। तो गाइस अभी पहुँचे थे खड़ा पत्थर, मैंने अपने भाई लोग मिल गए हुए, ले लो ले लो भाई। अच्छा यहीं खड़ा पत्थर से ही हो आप सारे? हेलो हेलो भाई, वीडियोस वगैरह देखते हो आप लोग भी? सिद्धू पाजी के फैन है भाई, देखो हाँ सही है भाई, सही है। आप भी खड़ा पत्थर से हो, वीडियोस वगैरह देखते हो? ले लो भाई जी, ले लो। कैसी लगती वीडियोस आपको, अच्छी लगती है? बस ऐसी फुल पावर सपोर्ट देगा, 1,000,000 करना है, ठीक है? ओके बाबा, चलते गए यहाँ से फटाफट से, अपने भाई लोग वगैरह मिल गए थे। हम रुके थे एक शॉप में स्टिंग वगैरह लेने, तो अब चलते फटाफट से गाइस। अभी बहुत दूर जाना है भाई, और हम पहुँचे अभी खड़ा पत्थर ही। हो भाई गाइस, जब से मैं आया हूँ ना अपनी सिटी में वापस, इतने बंदे मिल गए मैंने भाई, बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भाई इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है अपनी सिटी में। तो भाई यही प्यार हमें कमाना है गाइस, ठीक है? बाकी मोटो व्लॉगर तो जना खाना है आज की डेट में। तो भाई अभी जो मजा आ रहा है ना बाइक भगाने में, कसम से बता रहा हूँ भाई, रोड देख रहे हो, बिल्कुल ओके रोड है गाइस, बिल्कुल ओके रोड। और भाई काफी सारे बंदे मतलब मेरे को बोलते, मेरे दोस्त वगैरह है भाई, सेब कैसे, सेब के पेड़ कैसे होते, सेब के पेड़ कैसे होते वो दिखाओ। तो भाई ये आप देख रहे हो ऊपर को भाई, बहुत दूर है, बट ये देखो भाई, ये सेब के बगीचे सारे देख रहे हो, हमारे पहाड़ी इलाकों में भाई सेब की पैदावार इतनी है ना गाइस, कसम से बता रहा हूँ भाई, कसम से। तभी भाई अपने हिमाचल को जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग, खासकर मतलब जो बाहर के लोग हैं, जो आउट ऑफ हिमाचल है। तो भाई देख रहे हो ये सारे सेब के बगीचे है गाइस, ये देखो भाई यहाँ पे ना सारे, अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब फ्लावर आते हैं अभी, उसके बाद जो है इसमें सेब वगैरह मतलब आने वाले कुछ टाइम के बाद गाइस, ठीक है? आप लोगों को सेब वगैरह भी प्रॉपर दिखाए जाएंगे, ठीक है? भाई सेब के बगीचे देख रहे हो, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी भैया, देख रहे हो ये देखो, और यहाँ पे देखो मक्खियों के ये मतलब बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, यही मतलब जो पॉलिनेशन होता है ना यही करती है मक्खियाँ। तो देख रहे हो भाई इतने सारे सेब के पौधे गाइस। अभी बाइक को ना थोड़ी खींचते हैं भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है स्लो चला हुआ हूँ, इस हिसाब से तो हम रात को भी नहीं पहुँचने वाले यार, तो थोड़ी अब बाइक को खींचते हैं। ओ भाई जंप, नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है गाइस। और भाई सबसे मेन बात, अपना गला ठीक हो गया, नहीं तो मैं व्लॉग्स ही नहीं कर पाना था यार। भाई नेक्स्ट लेवल सीन गाइस। ओ भाई खड्डे आ जाते हैं गाइस बीच बीच में। ओ भाई ऐसी रोड हो ना भाई तो क्या मजा आएगा भाई। ओ भाई हो भाई देख रहे हो,
भाई ऊपर से डीबी किलर निकाला हुआ है। भाई मैंने आपको पहले बोलता कि इस व्लॉग में जो आपको ढेर सारी अपडेट्स मिलने वाली है, तो भाई अपडेट ये है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई 1 लाख पे अपना जो गाना आने वाला है, तो भाई अपने गाने का शूट जो है वो रामपुर में होने वाला है, क्योंकि रामपुर से ही वो गाना जो आने वाला है। गाने का नाम मैं आप लोगों को बता दूं, इस गाने का नाम है रोहडू से बुशहर। तो भाई गाना एक नंबर बना है, बहुत सारे मेरे हेटर्स है जिनकी बोलती बंद होने वाली है, ठीक है। तो भाई रेडी रहो आप, जो लोग मतलब फालतू की बातें करते थे ना, ये है वो है सो है, तो भाई रेडी रहो, गाना बिल्कुल रेडी है। कल तो मैंने भीमा काली माता के मंदिर जाना, तो परसों भाई वो गाना शूट होने वाला है। पुराने लुक वाला जो रोहडू से बाबा था ना, मंजुल पनाटू, वो तुम्हारे को दिखने वाला, मतलब वही पहाड़ी टोपी वही वाला, मतलब पूरा स्टाइल तो तुम्हारे को वापसी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। काफी सारे बंदे मेरे को बोलते थे कि भाई पहाड़ी टोपी पहन के व्लॉग करो, पहाड़ी टोपी पहन के व्लॉग करो, तो भाई परसों तुम्हारे को वही पुराने वाला रोहडू से बाबा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। गाना अपना बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है, उसकी जो फाइनल ऑडियो है वो मेरे पास आ गई हुई है, तो बस रेडी रहो गाइस। तो भाई अभी यार नेक्स्ट लेवल ही मजा आ रहा है यार मेरे को ना बाइक भगा करके। भाई लोग जो बहुत पीछे रह गए उनका वेट जो है मैं थोड़े ऊपर करने वाला हूँ। ओ भाई गाइस यार जब तक मैं बाइक भगाऊ ना मेरे को मजा ही नहीं आता, पता नहीं क्यों यार। भाई इससे प्यार ही इतना ज्यादा है गाइस। लड़की देख रहा है गाइस कैसे देख रही थी। ओ भाई देख रहे हो गाइस ब्रेकिंग देख रहे हो। ओ भाई रुक जाते हैं यार, भाई लोग रोक रहे थे, मिलते गाइस भाई लोग से। गाइस आंटिया कैसे दिख रही है। ओ भाई हेलो हेलो भाई जी कैसे हो कैसे हो। बढ़िया बढ़िया भाई जी बढ़िया। कहाँ से हो? अच्छा ठियोग से हो। ये क्या सामान लेके क्या जा रहे हो? अच्छा डिलीवरी में। गुड गुड दादा बढ़िया। गाइस यार आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैंने बताया भी नहीं है, मैंने भी भाई ठियोग में जो जॉब करी है डिलीवरी में, जब मेरे पास ड्यूक होती थी, आपको पता है? मेरे से मिले भी तो थे आप। आपने मेरा पूरा साइकिल देखा है। अच्छा गाइस एक वो दिन था जब मैं डिलीवरी की जॉब करता, और आज भाई आप लोगों के सामने वही बात है भाई, मेहनत करनी है हमेशा भाई, हार नहीं माननी है, ठीक है। सो गाइस अभी हमें भाई जो है मिल गए हुए, अभी हमने भाई को ना आगे चलाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना उन भाई से जो भी मिले थे स्कूटी वाले, भाई आप लोग ना विश्वास नहीं करोगे ना मैंने बात कभी किसी को बताई है, भाई मैंने अपने बाइक की इंस्टॉलमेंट निकाल लेके निकला, डिलीवरी बॉय की जॉब भी परे करी है गाइस, कसम से बता रहा हूँ, ब्लू डार्ट में ठोक पे। तो भाई काफी कम बंदों को ये बात पता है, ठीक है भाई मैंने कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास इतना भारी बैग होता था ना पीठ में, जब मेरे पास ड्यूक थी मैं ठोक से मतियाना जाता था डिलीवरी करने, मतलब पार्सल्स होते थे मेरे पास, ठीक है। तो भाई एक वो दिन था एक आज का दिन है वही भाई, तभी यार मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे गाइस, और बहुत आगे जाना है भाई, अभी बहुत आगे गाइस, बस आप लोगों का प्यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और भाई डिलीवरी बॉय की जॉब जो है मैंने पता क्यों छोड़ी थी यार, मैंने अपने बाइक की सर्विस कराने एक दिन जो है सोलन निकल गया हुआ था, और वहां पे यार बहुत ज्यादा जो है टाइम लग गया और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, और मेरे को ना जॉब से निकाल दिया उस दिन गाइस, इतना बुरा लगा ना यार। उसके बाद से ना मतलब मैं ऐसा मोटिवेट हुआ कि नहीं भाई कुछ करना है। उसके बाद भी मैंने छोटी मोटी जॉब्स करी है, बट मैं क्या ही बोलूं गाइस यार, मतलब चलो छोड़ो जो भी हुआ, चलो छोड़ो भाई आज यहाँ पे पहुँचाया है ना गाइस, तो इस मेरे प्यार ने और आप लोगों के प्यार ने पहुँचाया गाइस, ठीक है। बस ऐसा ही प्यार बनाए रखो गाइस, हमने बहुत ऊपर जाना है अभी गाइस, यहाँ से ठियोग जो है 5 किलोमीटर रह गया है, तो ठियोग से हमारी असली राइड जो है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पता है भाई वो वाला जो रूट है मैं उस रूट में कभी इस बाइक को लेके नहीं गया हूँ, तो नेक्स्ट लेवल सीन जो है रहने वाला है। चलते हैं यहाँ से फटाफट से और मिलते हैं आपको गाइस सीधा ठियोग में। अभी हम पहुँच गए हैं ठियोग भाई, यहाँ से भी काफी सारे बंदे हैं भाई जो सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल ही प्यार है भाई। आ जाओ। तो गाइज ये गया हमारा शिमला वाला रोड, और हमें जाना यहाँ से गाइज इस साइड को, तो भाई अब नेक्स्ट लेवल सीन रहने वाला है गाइज, मतलब कि पूरे 1 साल बाद जो है मैं इस रोड से जा रहा हूँ भाई, पूरे 1 साल के बाद भाई, जब ये रोड नया नया बना था ना उस टाइम पे भाई क्या मज़ा आता था यहाँ पे बाइक भगा करके, उस टाइम मेरे पास ड्यूक होती थी जब मैं डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, तो भाई जिन बंदों ने उस टाइम पे देखा है तो वही बात है भाई, उन बंदों को आज खुशी होती होगी जो दिल से सपोर्ट करता है। तो गाइज भावानगर यहाँ से 140, यहाँ पे यार रामपुर तो लिखा ही नहीं है भाई, ठीक है चक्कर है। तो भाई आज मौसम देख रहे हो कितना प्यारा मौसम है भाई, चलो धूप नहीं है ये बहुत बेस्ट है, बारिश नहीं लगनी चाहिए बस गाइस, बाकी तो कोई चक्कर नहीं, ठंडा ठंडा मौसम होना तो भाई सही रहता है, ठीक है। तो गाइस अभी ठियोग से थोड़ा ही आगे आए हुए थे, और भाई जैसा कि आप सभी को पता है जब मेरी बाइक मतलब बहुत पहले मैंने अपनी बाइक में ना जो फेयरिंग होती है उसमें मैंने वीडिंग्स चढ़ाई हुई थी, बहुत सारे लोगों को पता होगा वो मतलब यहाँ पे लगाई हुई थी मैंने ब्लैक कलर की इस पॉइंट पे, जैसे ये यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो हमें अभी एक भैया मिल गए, तो मैंने इनको बोला मैं यार वीडिंग आपके यहाँ मिल जाएगी, तो भैया ने बोला मिल जाएगी। गाइस हम अभी अपनी बाइक में जो वही वीडिंग वापसी लगाने वाले हैं, क्योंकि भाई
वीटिंग लगा के जो अपनी बाइक लगती थी ना एक नंबर, क्योंकि आज तक भाई वो किसी ने नहीं करवाई हुई है। ठीक है, तुम्हारा भाई पहला था, बंदे मेरे से पूछते हुए थे कि भाई कहाँ से कराई कहाँ से कराई। तो भाई ये वाली वो वीटिंग है, देख रहे हो? तो भाई इस तरह से कुछ ये चढ़ रही है मेरी बाइक में, देख रहे हो यहाँ पे इस साइड को, देखो इस तरह से जो मैं चढ़ा रहा हूँ। तो गाइस अभी इसको फटाफट से फिट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, उसके बाद दिखाता हूँ आपको अपनी बाइक कैसी लग रही है। वीटिंग जो है फिट हो रही है अपने बाइक पे भाई कुछ इस तरह से। भाई व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है गाइस, देख रहे हो मेहनत करनी पड़ती है। गाइस आप सभी लोगों को पता होगा जब मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, जब मैंने अंकल को उड़ा दिया था, मतलब गलती तो मेरी थी, मतलब एक्सीडेंट हो गया था जब अंकल के साथ, उस टाइम जो मेरी वीटिंग जो पूरी टूट गई थी, उसके बाद मेरे को कोई बंदा ही नहीं मिला वीटिंग वाला। अभी भैया मिले तो भाई बिल्कुल एकदम ओके काम हो रहा है। इसको बड़ा वक्त से फिट करते हैं। ओ भाई बड़ी मेहनत का काम है गाइस। ओ भाई ए लो, आधे से ज्यादा मॉडिफिकेशन है इस बाइक की मैंने खुद ही करी है, सही में बता रहा हूँ भाई। अभी हमने अपनी वीटिंग जो है वो लगवा दी है, अब रहता है इसमें सिर्फ एक काम, वो रहता है पेंट का। थोड़ा सा पेंट इधर से उखड़ा है, थोड़ा सा पेंट इधर से, और थोड़ा सा पेंट इस साइड से, तो वो भी हम जो है जल्दी करवा देंगे। और भाई अपनी पुरानी चीजें जो भी थी ना भाई, वो सब वापसी आने वाली है। ठीक है, मतलब सारी चीजें हम जो प्रॉपर करेंगे भाई, प्रॉपर। और भाई जो लीन करके मजा आ रहा है ना इस रोड में, नेक्स्ट लेवल ही सीन का, कसम से बता रहा हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल ही सीन रह रहा है भाई। क्या रोड है भाई, इतने टाइम के बाद गाइस, जब मैं डिलीवरी करता था ना उस टाइम पे इस रोड पे कुत्ता बनाता था तुम्हारे भाई ने यार, ड्यूक का। तो भाई अब उसके बाद आरसीआर ऊपर से व्लॉगिंग तुम्हारे भाई ने स्टार्ट कर दी हुई है, तो भाई नेक्स्ट लेवल ही सीन रह रहा है यार, मजा आ रहा है भाई, कसम से बता रहा हूँ यार। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं शायद नंगल देवी माता का मंदिर है यहाँ पे, देख रहे हो भाई, जय माता रानी, रक्षा करना, जय माता रानी। ओ क्या हुआ, कौन है, पारस भाई, कैसे हो भैया, बढ़िया, कहाँ चले आप, चलो भाई। हमने भैया वगैरह जो है मिल गए हैं थार में, ये लोग भी जो है रामपुरी जा रहे होंगे भाई, क्या नेक्स्ट लेवल सीन रह रहे हैं। ओ भाई क्या मजा आ रहा है यार, ओ भाई ओ भाई 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 भाई, ये क्या कर रहे हैं यार भाई, ऐसे पॉइंट पे यार निकाल दिया करो, वहां ब्रेक मत मारा करो यार। ओ भाई तो गाइस इस जगह का नाम है संधु, मेरे को भी याद है भाई, इस जगह का नाम संधु है यार, क्योंकि भाई जब मैं डिलीवरी करता था ना यहाँ पे भी बहुत सारी डिलीवरी करी है भाई, कसम से यार पुराने दिन जो है आज याद आ गए भाई मेरे को। ओ भाई सीधे में तो गाइस कोई भी बाइक भगा लेता है पहाड़ों पे, हाँ तब पता लगता है। गाइस कुछ गधे हैं जो मेरे भाइयों के लिए हर कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। ओ भाई तुम्हारी ना क्या बोल, अब चलो छोड़ो यार क्या ही बोलना, तुम कभी रीच नहीं कर पाओगे मेरे भाइयों, ठीक है। तुम स्किल्स की बात करते हो ना, तो मेरे भाइयों में कितनी स्किल्स है वो तो तुम्हारे को दिख ही गया होगा, ठीक है। तुम साले ना ऑनलाइन ही भौंक सकते हो, फेस टू फेस साले डर जाते हैं, ठीक है। गाइस मैं फुल सपोर्ट करता हूँ मेरे भाई को जानू स्टंट्स राजा डीसी भाई, उनके मुकाबले का ना तुम भाई उनका मुकाबला तुम जो कभी कर ही नहीं सकते, तुम गधे थे गधे हो और दल्ले ही रहोगे, ठीक है, दल्ले ही रहोगे भावा, फकत सी बात है, ठीक है ना। मेरे को पता है भाई जानू भाई कैसे है और राजा भाई कैसे है, ठीक है भाई। वो बंदे दिल के इतने साफ बंदे ना भाई, उनसे कभी भी मिलोगे ना बिल्कुल भी नहीं लगता भाई कि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, इतने डाउन टू अर्थ बंदे हैं, ठीक है। और तुम गधे, कल के आए तुम गधे और दल्ले, मेरे भाइयों के बारे में बोलेंगे, चल साले पहले बराबरी करो फिर आना उसके बाद, ठीक है।
दल्ले साले। गाइस अभी यार ठेहुक से थोड़ा आगे आगे हुए, मतलब मतियाना और ठेहुक के बीच में ही है। अभी हम रुके एक जगह पे यार खाना वगैरह खाने, मतलब मैगी खा रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा भूख लगी थी भाई, मजा आ गया राइड करके। कसम से यार जो भी मतलब ठेहुक और मतियाना से दिख रहे हैं ना भाई, क्या रोड है भाई, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया गाइस कसम से। और भाई ये देख रहे हो, ये पार जालियां लगी हुई है यहाँ पे। आप लोग सोच रहे हो मतलब मेरे जो बाहर के सब्सक्राइबर्स है ना हिमाचल से बाहर के, तो भाई ये जालियां लगी हुई है यहाँ पे, सेफ भाई, नेक्स्ट लेवल होता है। मैगी वगैरह खाते है और उसके बाद देखते क्या सीन रहते, रोने में मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है नेक्स्ट लेवल। तो गाइस अभी मैगी खाते फटाफट से, आपको पता भाई ऐसे पहाड़ों में मैगी खाने का मजा कुछ और है। मैगी वगैरह जो खा दी हुई है, तो भाई ये वाली जो विडिंग थी ये हमने अपनी फेयरिंग में लगा दिया, देख रहे हो भाई क्या प्यारी लग रही है यार कसम से। और भाई जो भी बंदे लगाना चाहते हैं तो ठेहुक वाले मतलब जितने भी देख रहे ठेहुक में, जिस भी बंदे के पास आर से तो उन भैया से लगवा सकता है भाई, देख रहे हो क्या प्यारी लुक आ रही है, देख रहे हो मतलब एक नंबर यार। इधर को भी देख रहे हो एक नंबर लुक आ गई गाइस, मतलब जब मेरी बाइक उस टाइम पे क्रैश हुई थी ना, जब अंकल को टक्कर लगी थी, तो उस टाइम पे भाई यही वाली जो वेडिंग थी मैंने लगाई हुई थी, उसके बाद मेरे को मिली नहीं गई, तो आज मिली तो मैंने फिट करा दी। आपको बताइए आपका एक क्रेजी है, जो चीज़ आपके आगे पसंद आ गई एक बार तो वो करा के रहता है, फिर जो मर्जी करना पड़े, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ से फटाफट से निकलता भी भाई 100 किलोमीटर यहाँ से जो है रामपुर। ओ भाई गाइस दोबारा कंट्रोल कर देता है गाइस। अब भाई जब तो होना हो तब तो आपको पता है घर पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई फुल चिल मारो यार, एक ही लाइफ है यार। और भाई जब मैं डिलीवरी करता था तो यहीं तक का मेरा जो रूट रहता था वो यहीं तक का होता था, ठीक है। मैं मतलब अपनी बाइक को जो है यहाँ पे लगाता था इस पॉइंट पे, यहाँ से तुम्हारा भाई जो पार्सल देने जाता था गाइस, कसम से बता रहा हूँ भाई, एक वो दिन था और एक आज का दिन है गाइस, मतलब क्या बोलूँ भाई, कैसे कैसे दिन देखे तुम्हारे भाई ने, तब जाके जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी मतियाना का बाजार है और भाई इतने नाइस लोग ना यहाँ के गाइस, कसम से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं यार। और भाई जो ये वाला रोड है ये यहाँ से किन्नौर भी जाता है, आपका स्पीति भी जाता है, तो भाई ये रोड जो है मेन रोड है बाबा गाइस। यहाँ से रामपुर 75 किलोमीटर है, अभी 75 किलोमीटर हमें और जाना है गाइस। ओ भाई देख रहे हो, ओ भाई नेक्स्ट लेवल यार। ओ भाई व्यू देख रहे हो गाइस, HRTC गाइस, बर्फ के टाइम पे यहाँ आना तो भाई बहुत मुश्किल है गाइस। सो गाइस ये हम पहुंच गए हैं नारकंडा, पूरे एक साल के बाद आ रहा हूँ भाई नारकंडा, कसम से यार, मतलब इतने सारे दोस्त हैं ना मेरे यहाँ से भी, और भाई इतना खूबसूरत ये बाजार कसम से भाई। ओ भाई देख रहे हो पुलिस भाई, देख रहे हो गाइस नारकंडा गाइस, ओ भाई नेक्स्ट लेवल यार, इतनी खुशी हो रही है ना भाई। तो गाइस यहाँ से रामपुर अभी 66 किलोमीटर है, ओ बॉय बहुत दूर जाना है अभी भी यार। भाई लोग देख रहे हो कैसे देखते हैं भाई, बिल्कुल जंगल वाला एरिया भाई, यहाँ पे जो बर्फ पड़ती है ना नेक्स्ट लेवल गाइस। तो ये जो आगे को रोड जाता है ये जाता है तानी जुब्बड़, अभी हमें जाना है नीचे वाले रोड में, तो और सीधा हम पहुंच जाएंगे रामपुर। भाई उधर देख रहे हो बर्फ, बर्फीले पहाड़ गाइस, और हम बिल्कुल भाई जंगल के बीच में आ गए हैं। इतनी ठंड है ना अभी यहाँ पे, ग्लव्स के अंदर भी मेरे हाथों में इतनी ठंड लग रही है ना अभी यार कसम से भाई। तो कहीं आगे जाके रुकेंगे, मस्त मस्त सिनेमैटिक चेक कराते हैं गाइस आपको। गैस गाड़ी में देख रहे हो अपने भाई लोग, हाँ जी भाई, हेलो 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 हेलो, कैसे हो, नमस्ते आंटी जी, हेलो हेलो भाई कैसे हो, नमस्ते अंकल जी, और भाई कैसे हो, कहाँ से हो, कुमारसिंह से, मैं रामपुर जा रहा हूँ ब्रो, कुमारसिंह से हो, वीडियो वगैरह देखते हो, अच्छा अच्छा ठीक है ब्रो, ओके थैंक यू, अच्छा लगा मिलके गाइस, ये अपने भाई लोग मिल गए थे। ओ भाई कुमारसिंह वाले भी गाइस नेक्स्ट लेवल प्यार देते हैं भाई, ऐसा ही प्यार चाहिए गाइस, सबसे ऐसा ही प्यार चाहिए भाई। भाई देख रहे हो कैसे जंगलों के बीच में चले गए हम यार, तो गाइस अभी कुमारसन एंटर हम हो गए, हम यार गांव वाली साइड से नहीं गए, मतलब बाजार के अंदर से नहीं गए, हम बार बार से जा रहे हैं, क्योंकि भाई अंदर से रोड का नहीं पता कैसा होगा भाई, यहाँ से तो रोड एकदम लश है भाई,
ओ भाई नेक्स्ट लेवल है यार, क्रेजी बाबा। कुमारसन वाला क्या रोड है भाई, नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल भाई। इतना मजा मेरे को आज तक कहीं नहीं आया भाई, कसम से भाई। इस रोड पे भाई भगाने का मजा ही नेक्स्ट लेवल आ रहा है, मन कर रहा है भाई रुकना ही नहीं, रुकना ही नहीं। तो क्या रोड है, बिल्कुल लश बाबा लश। भाई बाइक से आवाज देख रहे हो कैसी आ रही है, भाई भाई पुलिस 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 गाइस देख रहे हो। ओ भाई तो गाइस अभी रोनी वगैरह को मैंने जो आगे भेज दिया हुआ है, और भाई हम पहुंच गया उसी लोकेशन पे जहां से मैं सुंगरी बाली वाली साइड से आता था ना, जहां पे कच्चा रोड था, जिसने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा रामपुर वाला, जब मैं पहले रामपुर आया था, जब मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। तो गाइस ये वाला वो रोड है, इस पॉइंट से मतलब वो वाला रोड आता है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल ही सीन यार, मजा आ गया भाई, देख रहे हो बंदे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, रोनी भाई ने भी आगे ठीक भगाई हुई है यार, और भाई उसमें ना ब्रेक के नहीं है, देख रहे हो भाई ये वाला रोड है वो गाइस, ये वाला रोड, इस वाले रोड से मैं आता था। तो भाई अब रामपुर थोड़ा सा ही रह गया गाइस, तो यहाँ से करते हैं कुछ क्रेजी सी राइड। और जो रोनी भाई है उनका एग्जॉस्ट है ना यार, जो उसमें नट जो होता है वो छूट गया हुआ है, आगे हम वो भी ठीक कराएंगे। तुम्हारा भाई तो गाइस जब फिर फॉर्म में आता है ना, और भाई जो मेरी ये टायर है ना, ये नेक्स्ट लेवल ग्रिप दे रहा है भाई मेरे को। जब हम पहुंच गए गाइस महादेव जी के चरणों में, तो गाइस यहीं पार को जो है देवढांग है, तो हर हर महादेव, देख रहे हो गाइस ये पार देवढांग है भाई, यहीं से ही श्रीखंड महादेव की जो पूरी स्टोरी है शुरू होती है, यहीं से जो है महादेव जी गुफा में गए थे, पत्थर को फाड़ के बाहर निकले थे, जो अब श्रीखंड महादेव से जानी जाती है। तो गाइस यही वो जगह है यार, रोनी भाई की जो बाइक का एग्जॉस्ट है उसको यहाँ पे ठीक कराते हैं, यहीं पे कहीं पे शॉप थी वो बाइक वाले भैया की, यहीं पर उनकी बाइक का काम करा देते, क्योंकि भाई बाइक ओके हो ना तभी जाके मजा आता है चलाने में भी। अब रोनी भाई पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। सो गाइस अभी यार रोनी भाई के बाइक का काम जो करा दिया हुआ है, उसका जो एग्जॉस्ट छूट गया था वो हमने फिट करा दिया हुआ है, अभी हम पहुंच गए नोगली बीच। भाई यहाँ की जो वाइब है ना गाइस नेक्स्ट लेवल यार, क्या बीच है भाई, ये यहाँ पे भी जरूर आएंगे, बट भाई अभी ना यार रात होने वाली, हमें रूम का पता भी करना। ये देखो एग्जॉस्ट ठीक होते हुए रोनी भाई आगे फॉर्म में, देख रहे हो गाइस, देख रहे रिएक्शन, देख रहे हो भाई, भाई आगे ना पुलिस वालों की गाड़ी चली है, देख रहे हो। नेक्स्ट लेवल सीन गाइस, पुलिस वाले नहीं मानते गए ओवरटेक करने से, देख रहे हो। भाई लगाएगा इस पुलिस वालों के साथ रेस हो जाए, नहीं वाह पुलिस वाले नहीं मानते, देख रहे हो। अब तो गाइस ओवरटेक बनता ही है, सल्यूट सर सल्यूट। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी भगाते हैं,
यहाँ पे गाइस ना बम्प जैसा है यार, ये देख रहे हो, ये यहाँ भी देखना गाइस यहाँ बम्प है यार, ये देखो ये अब भगाते हैं यहाँ पे। मजा आ गया यार, ओ भाई। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं रामपुर हनुमान जी के मंदिर गाइस, अब यहाँ पे रुकते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए थे हनुमान जी के मंदिर, तो भाई अब चलते हैं अंदर, दर्शन वगैरह करते हैं। आपको बताइए भाई मंदिर आगे कितनी शांति मिलती है, और भाई जैसी राइडिंग हम करते तो भाई मन को शांति तो जरूरी है, तो गाइस चलो दर्शन करते हैं। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 दर्शन वगैरह जो है हो गए हुए, और भाई हम रामपुर जो है पहुंच गए हुए भाई, मतलब जब पहले मैं रामपुर आया था ना उस टाइम पे 12,000 सब्सक्राइबर्स थे, अब गाइज 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, और भाई ये हो पाया भीमा काली माता के आशीर्वाद से। तो गाइज कल हम जाने वाले भीमा काली माता के मंदिर आशीर्वाद लेने माता का, तो गाइज इस व्लॉग को करते इसी के साथ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय और राइड सेफ गाइज।